दोस्तों स्वागत है आपका अरोड़ा ये एस एकेडमी में और ही हमारी पॉलिटी की अगली सीरीज़ जो सीरीज़ चल रही है उसका अगला पार्ट है और इस पार्ट के माध्यम से हम आपको मौलिक अधिकार बताएंगे ओके क्योंकि मौलिक अधिकार बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन क्या होता है भूल जाते हैं तो आज थोड़ा कॉमेडियन टाइप की वीडियो रही है क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको दो कहानियाँ बताऊँगा मतलब दो लोगों की एक कहानी बताऊँगा और उस कहानी के माध्यम से आपको मौलिक अधिकार समझाने की कोशिश करूंगा और तुम देखना इस कहानी को यदि आपने सुन लिया और समझ लिया तो मौलिक अधिकार आपके हाथ में है क्योंकि मैं इस कहानी के माध्यम से कोशिश ये करूंगा कि आपने कहीं से भी मौलिक अधिकार पढ़े हो और आप बिगनर हो या फिर आप पढ़ चुके हो कुछ भी तो आप इन कहानी के माध्यम से क्या होगा मौलिक अधिकार को इतना आसानी से याद कर लोगे और तुम किसी को पढ़ा भी सकते हो बस आपको आर्टिकल याद रखने होंगे तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले तो मैं आपको एक कहानी बताऊँगा हल्की सी और थोड़ा कहानी सुनना और कहानी को बड़े गौर से सुन रही है आपको ठीक है कहानी आपको क्या सुननी है कहानी आपको बड़ी गौर से सुननी है और उसके बाद हम बात आएंगे अपने मेन टॉपिक पे बाद में आएंगे हम पहले मैं आपको एक मौलिक अधिकारी की एक हल्की सी कहानी बताता हूँ ठीक है तो देखो यदि हम बात करें मौलिक अधिकारी की तो यहाँ पर देखो पहले मैं आपको दो तीन फैक्ट बताता हूँ मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं यूएसए के संविधान से मतलब अमेरिका से लिए हैं अमेरिका से लिए हैं अमेरिका से लिए हैं उसके बाद ये कौन से भाग में हैं ठीक है तो ये भाग तीन में है उसके बाद कहाँ से कहाँ तक है इसमें कितने अनुच्छेद हैं तो हम अनुच्छेदों की भी बात कर लेते हैं इसमें क्या है इसमें 12 से लेकर के इसमें 35 तक आर्टिकल में क्या है मौलिक अधिकार हैं उसके बाद अब इसमें हम बात करें कि कि कितने मौलिक अधिकार हैं तो इसमें वर्तमान में छह मौलिक अधिकार हैं छ छः मौलिक अधिकार हैं समानता का अधिकार ठीक है चौदह से अठारह मैं आपको बताई देता हूं समानता का अधिकार चौदह से अठारह ठीक है उसके बाद स्वतंत्रता 19 से 22 तो इस प्रकार से मैं बताऊंगा क्लियर करके आर्टिकल 32 तक जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है तो इन मौलिक अधिकारों जो हैं आपको प्रॉब्लम ये रहती होगी आप भूल जाते होगे ज्यादातर कि यार हम याद तो कर लेते हैं लेकिन बार बार भूल जाते हैं रीजन क्या है आपने इनको इंटरलिंक करके कहानी के तरीका से नहीं पढ़ा है तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको मौलिक अधिकार इस तरीका से कराऊं कि आप कहानी की तरह आप इनको याद कर सकें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके साथ मौलिक अधिकार ये ठीक है हमारा आज का टॉपिक है टॉपिक क्या है मूल अधिकार मूल अधिकार ठीक है इसको इंग्लिश से बोलते हैं फंडामेंटल राइट एफ आर मौलिक अधिकार और मूल अधिकार एक ही बात है हमको समझाना किस तरीका से कहानी के आधार पर कई बच्चों को तो कहानी में इंटरेस्ट होगा अतः आज उनके तो मजे ही आ जाएंगे कि चलो ठीक है पॉलिटी में कोई और नई कहानी सुनने को मिली देखो क्या है दो व्यक्ति है। हैं ये एक तो व्यक्ति है ए ये कहाँ से है ये भारत से है, है ये है भारत से और एक दूसरा व्यक्ति है बी ये है कहाँ से ये है विदेश से विदेश समझ लो तुम सपोज चलो हम कर लेते हैं हम ये अमेरिका से है अमेरिका से अमेरिका चलो अमेरिका से समझ लो अमेरिका से व्यक्ति है ये व्यक्ति हमारा भारत से लेकिन दोनों दोस्त हैं ये दोनों दोस्त हैं लेकिन इनकी दोस्ती हुई थी ये इनकी सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती होती है और ये बी वाला व्यक्ति है अमेरिकन जो है वो कभी भारत नहीं आया है और वो जब अपने इंडिया के दोस्त से फोन पर बात करता है तो बात कहता है कि भाई मैं भी तुम्हारे भारत आता हूँ तो क्या मेरे देश में जो परिस्थितियाँ हैं क्या वही सिचुएसन आपके देश में भी है तो ये कहता है कि भाई यार अब चलो ठीक है मैं तुम्हें तो कुछ कुछ चीज़ें बताता हूँ कि मेरे देश में ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं तो पहला ये बात ये कहता है कि देखो हमारे देश में यदि आप आओगे तो हमारे देश में क्या होता है कि बच्चे के गर्भ से लेकर के और मृत्यु तक उसको कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं यानी कि अगर बच्चा माँ के गर्भ में है और मृत्यु तक उसे कुछ अधिकार दे दिए जाएंगे और वो अधिकार उसके जीवन भर उसके साथ रहेंगे क्या अच्छा यार ये तो बहुत अच्छी बात है तुम्हारे देश में कि हाँ और सुनिए और हमारे देश में क्या है कि जो कोई भी व्यक्ति से गरीब है अमीर है ठीक है किसी भी पद पर है तो क्या होगा कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ वो कानून से ऊपर नहीं होगा मतलब कानून ही सर्वोच्च होगा हमारे यहाँ उसके बाद कहता है और क्या क्या है तुम्हारे देश में क्या देखो हमारे देश में कि यदि किसी व्यक्ति को यदि हम जाति धर्म उसकी नस्ल उसके लिंग ठीक है इन आधार पर हम उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे और ना ही हम उस व्यक्ति को सरकारी नौकरियों में रोकेंगे यानी कि जो सार्वजनिक जो नौकरियां हैं उनमें क्या है सभी को आने का दिखा रहा है कि यार अच्छी बात है ये तो यार कि हाँ कि और सुनिए कि हमारे देश में क्या है कि जो छुआछूत की बीमारी थी हमने उनको भी समाप्त कर दिया है ठीक है जो अश्ता की जो परेशानी थी हमने उसको भी कहीं हद तक ठीक कर दिया है क्योंकि हमारे यहाँ कानून बना हुआ है यदि किसी के साथ यदि आप भेदभाव करोगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी कि अच्छा और क्या क्या है उसने बोला कि जैसे कि आप कोई उपाधियाँ ग्रहण कर लेते हो बड़ी बड़ी जैसे कि महाराजा ये महाराजा वो तो ये भी हमारे देश में अब नहीं रहा है क्योंकि लोग पढ़े लिखे हो गए हैं और ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं इसलिए अब तुम तो ऐसा नहीं करोगे कि महाराजा ये महाराजा वो ये कुछ नहीं है हमारे देश में क्या अच्छा उसके बाद और क्या क्या है तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में तुम अपनी बात रख सकते हो तुम सरकार से कोई भी बात कह सकते हो ठीक है तुम मीडिया में जाके कोई बात कह सकते हो तुम्हें प्रश्न पूछने का अधिकार है और और क्या क्या है उसने कहा कि अच्छा कि और एक बात और है यदि तुम्हें कभी भी यदि तुम्हें पुलिस पकड़ने आती है ठीक है पुलिस तुम्हें पकड़ने आती है तो तुम्हें पूछने का अधिकार भी है कि अच्छा इसका मतलब जो बी वाला होता है वो कहता अच्छा तुम्हारे यहाँ मतलब तानासाई नहीं है कि नहीं तानाशाई नहीं है यदि पुलिस पूछने पकड़ने आएगी तो तुमसे पूछेगी पहले कि भाई तुम्हारे खिलाफ़ ये चीज़ है और हम आपको अरेस्ट करना है ठीक कर है उसके बाद कि आपने यदि कोई भी अपराध कर दिया है और उसका यदि प्रावधान हमारे कानून में होगा तभी हमको सज़ा मिलेगी नहीं तो हमको सज़ा नहीं मिलेगी यार ये भी ठीक है मतलब सिचुएशन वेस्ट कुछ नहीं है कि नहीं नहीं ब्रिटेन की तरह सिचुएशन वेस्ट नहीं है हमारे यहाँ क्या है कि यदि तुमने कोई भी अपराध किया है और अपराध करने के बाद यदि तुमने अपराध किया है और उसका दंड का प्रारूप यदि हमारे देश के संविधान में है तो तुम्हें सज़ा मिलेगी कि अच्छे है यार ये तो बहुत अच्छी बात है उसके बाद क्या क्या है और कि और ये है कि तुम हमारे यहाँ क्या है जो मानवों का जो मनुष्य है तुम उसका क्या तुम उसे ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है तुम महिलाओं का तस्करी नहीं कर सकते उनको देख नहीं सकते कि यार ये तो और अच्छी बात है कि और सुनो तो हमारे देश में और क्या क्या है ये इंडियन ये कहता है कि हमारे देश में और सबसे खूबसूरती क्या है जो जो अमेरिकन पूछता है कि आपके देश की खूबसूरती क्या है कि अच्छा खूबसूरती की बात कर रहे हो देखो खूबसूरती क्या है कि आप किसी भी मजहब के किसी भी धर्म के हो किसी भी पंथ के हो आपको क्या है आपको पूजा पाठ करने का पूरा अधिकार है आप किसी भी भगवान को मानो आप किसी की भी पूजा करो आपको पूरा अधिकार दिया गया है कि अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है इसका मतलब क्या है कि आदमी को क्या है अपनी स्वतंत्रता दी गई है कि किसी भी धर्म को मान सकता है कि हाँ कि अच्छा चलो ठीक है ये तो बात हो गई इसका मतलब तो आपके देश में तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि हाँ और का ऐसे ही उसके बाद अब थोड़ी और बात चलती है फिर चलते चलते फिर एक बात आती है कि आपके जब जो, जो अमेरिकन पूछता है कि आपके यहाँ कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी संख्या कम है उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है क्या अरे वाह उनकी बात करते हो आप उनके साथ तो इतना अच्छा व्यवहार किया जाता है कि आप कुछ पूछो ही मत भाई उनके शिक्षण संस्थाएं हैं और उनके हितों की जैसे कि आर्थिक हित हैं जैसे कि उनको धन से संबंधित तो सब चीज़ की मतलब रक्षा की जाती ताकि वो अपने को कमज़ोर महसूस ना करें कि अच्छा और क्या क्या फिर अमेरिका ने एक बात पूछता है कि चलो ठीक है आपने मुझे इन सारी विशेषताएं अपने देश की बताई हैं और इन विशेषताओं के बावजूद यदि इनका अधिकारों का हनन हो जाए तो आप कहाँ जाते हो गे? सही बात है इंडियन का रे वाह तुमने तो हमारी मन की बात छीन ली हम तुमको बताने ही वाले थे कि अच्छा कहाँ जाते हो कि भाई हमारे यहाँ पर क्या है कोर्ट बने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है यदि हमारे अधिकारों सॉरी यदि हमारे अधिकारों का हनन होगा तो हम सीधे तौर पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि जो मैंने तुमको सारी चीज़ बताई है उन सब का जो संरक्षक है वो सुप्रीम कोर्ट है और हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि अब कैसे कैसे जाओगे कि हमारे यहाँ पर क्या था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक आर्टिकल है आर्टिकल बत्तीस तो उसने आर्टिकल नाम बोल दिया कि आर्टिकल बत्तीस है कि उसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं यदि हमारी किसी भी अधिकारों का हनन होता है तो वाह यार इसका मतलब आपका देश क्या है बहुत अच्छा है और मुझे अब लगने लगा है कि वाकई में जो आपका देश है वहां पर समाजवादी लोकतंत्र है तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए जब उसको लगा कि यार आपका देश तो वाकई में घूमने लायक है क्योंकि वहाँ आज़ादी भी है लोगों की सुरक्षा भी है और यदि किसी बात को लेकर के भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए कोर्ट हाई कोर्ट बैठी है क्या हाँ क्या ठीक तो है भाई हम इन फ्यूचर कभी आपके देश में आते हैं और फिर देखते हैं सिचुएशन के ठीक है यू आर आपका मोस्ट वेलकम है तो ठीक है ये थी कहानी और मैंने कोशिश की है कि सारे आर्टिकल को आपको कहानी के माध्यम से बताने की तो आप इसको एक से दो बार सुनना और अब मैं आर्टिकल जो कराऊंगा अब आर्टिकल आपको बहुत आसान लगेंगे क्यों ऐसा लगेंगे क्योंकि अब आप सारी चीजें सुन चुके हो ठीक है तो मेरी उम्मीद यही रहेगी कि आपको फंडामेंटल राइट right है इनको इनसे अवगत कराना और अच्छे से अच्छी आपको कंसेप्ट क्लियर करवाना ठीक है तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अब थोड़ा सा हम इस वीडियो को यहीं पर पॉज करते हैं और जो अगली वीडियो हमारी होगी इस वीडियो को आपको सुनना है और जो हमारी अगली वीडियो होगी उस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताएंगे कि कितने आर्टिकल हैं हमारे संविधान में उनका विश्लेषण करना है कौन कौन सा आर्टिकल महत्वपूर्ण है और कौन सा आर्टिकल महत्वपूर्ण नहीं है हालांकि महत्वपूर्ण सारे आर्टिकल हैं लेकिन एग्जाम के हिसाब से कौन सा आर्टिकल महत्वपूर्ण है तो उनकी बात करेंगे ठीक है थैंक यू